अब यहाँ पर आपका है लेक्चर नंबर 26 और ये प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आप इसको इसके बारे में समझ लो अच्छे से तो 25 पर है। प्रैक्टिस पहले हम लोग इसका करते हैं, है ना, एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, ये चीज हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए सिंपल से स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट देन हैज और हैव देन थर्ड फॉर्म आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट, अगर आपको लिखना है। ये इसमें डूअर प्रेजेंट रहेगा, जैसे मैं कहूं, ध्यान से समझना, उसने काम पूरा कर लिया है, मैंने, सुनो ध्यान से, उसने काम पूरा कर लिया है, मैंने ये देखा है, मैंने देख लिया है कि उसने काम पूरा कर लिया है। तो देखो, उसने काम पूरा कर लिया है, क्या होगा, ही, हाँ बोलो, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, है ना। अभी ऐसा होता, उसने अपना काम पूरा कर लिया तो ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क या सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। क्लियर है, मैंने यह देखा है तो आई हैव सीन इट, आई हैव सीन दिस। क्लियर है। अब यहां पर एक चीज और समझो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ ऐसे कीवर्ड है, है ना, ध्यान से समझिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जो जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज होते हैं, है ना, और इस ये मीनिंग के भी पर्पस से बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूं पहले कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो है जस्ट है आपका, और जस्ट का यूज आपको करना है अभी अभी के सेंस में, पापा अभी अभी आए हैं, ऐसे लोग बोलते हैं ना, मैं अभी अभी तो पहुंचा हूं यार, मैं अभी, मैंने अभी अभी तो शुरू किया हूं, तो अभी अभी, पापा अभी अभी आए हैं, तो फादर है जस्ट कम, मैंने अभी अभी तो शुरू किया है, आई हैव जस्ट स्टार्टेड। समझ में आ रहा, तो एक तो है जस्ट, याद भी होना चाहिए, जस्ट मीन्स होता है अभी अभी, और एक होता है एवर, एवर मीन्स होता है कभी, एवर मीन्स क्या होता है कभी, ठीक। जैसे क्या तुमने ताजमहल देखा है, ये तो सिंपल से मैंने बोला, क्या तुमने ताजमहल देखा है, हैव यू सीन द ताजमहल, ध्यान से सुनो, अभी हथियार मत चलाया, पहले समझ लो कैसे चलाना है, क्या तुमने ताजमहल देखा है, हैव यू सीन द ताजमहल, एक तो ये, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, हैव यू एवर सीन द ताजमहल, ये चीज, क्या तुमने कभी मुझसे बात की है, हैव यू एवर टॉक्ड To me, क्या तुम कभी उससे मिले हो, Have you ever met him या her? Clear है? ये है। अब next होता है आपका already. Already means होता है पहले ही कोई काम advance में, पहले ही, पापा से बताओगे, मैंने पहले ही पापा से बता दिया है, मैंने पहले ही पापा से बता दिया है, तो I have already told father. Told father. समझ में आया, मैं पहले ही अंग्रेजी सीख लिया हूँ, मैंने पहले अंग्रेजी सीख लिया है, I have already learned English. मैंने पहले ही उसे बता दिया है, परेशान ना, मैंने पहले ही उसे बता दिया है, I have already told him या told her. क्या तुम पहले सारे भेद खोल दिए हो, Have you already opened, disclosed all secrets? इस तरह से, पता है? कोरोना काल में सरकार ने पहले ही चेतावनी दे दी है, या सरकार ने पहले ही चेतावनी दे चुकी है, तो क्या हो जाएगा? The government has already warned या informed, वैसे चेतावनी दी, warned, धमकी दी है, Warned the people. समझ में आया? और नेक्स्ट होता है आपका before. Before means होता है पहले, लेकिन एक चीज़ और याद रखना, इस before का यूज क्या करना है, आपको सेंटेंस के लास्ट में करना है. Before का यूज कहाँ करना है? लास्ट में करना है. क्लियर है? जैसे मैं कहूँ, क्या तुमने पहले अंग्रेजी सीखी है? Have you learned English before? दोनों में अंतर है, देखो, क्या तुमने पहले ही अंग्रेजी सीख लिया है,
Have you already learned English? क्या तुमने पहले अंग्रेजी सीखी है? Have you learned English before? ये चीज दोनों में अंतर है, समझ पा रहे हैं ना? और नेक्स्ट आपका yet, Y-A-T. Yet means होता है अभी तक. Yet means होता है अभी तक. क्लियर है? इसको भी आपको लास्ट में यूज करना है. मैं अभी तक उससे नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? I have not met him yet. याद हो गया ना? जैसे मैं कहूं ट्रेन अभी तक नहीं आई है यार, दो घंटे बैठे बैठे इंतजार करते करते थक गए, ट्रेन अभी तक नहीं आई है. आप लोग क्लास में क्या बोलते हो? टीचर अभी तक नहीं आए हैं. The teacher has not come yet. ट्रेन अभी तक नहीं आई है. The train has not come yet. मैंने बाहुबली वाली मूवी अभी तक नहीं देखी. वैसे देख ली, झूठ बोल रहा. I have not yet seen. I have not watched. Yes, watched. है ना, मूवी के लिए वॉच होता है. I have not watched this movie या that movie yet. लास्ट में किसका यूज करना है? येट का यूज करना. इतना क्लियर है? तो आपकी ये फाइव बड़े काम के हैं यार. ये चीज जस्ट मींस क्या होता है? अभी अभी. एवर मींस क्या होता है? कभी. ऑलरेडी मींस क्या होता है? पहले ही. बिफोर मींस अब. ये बिफोर और येट इनको लास्ट में करना है. और एक्चुअली ये पांचों एक एडवर्ब है, एडवर्ब की तरह काम करते हैं. क्लियर है? अब जैसे इसी पर प्रैक्टिस करते हैं, इन्हीं पांचों पर प्रैक्टिस रहेगा. जैसे अभी मैं सिंपल सा फिर लेवल इंक्रीज करूंगा, आप लोग साथ में बोलना. ठीक, उसे बुखार हो गया है. ही हैज गॉट अ फीवर. मुझे बुखार आ गया है. आई हैव गॉट अ फीवर. मुझे जुखाम हो गया है. आई हैव गॉट अ कोल्ड. किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है. समबडी या समवन हैज स्टोलन माई पेन. अब तुम थोड़ा सा वो आ जाओ, मतलब प्यार मोहब्बत. किसी ने मेरा दिल चुरा लिया. Someone has stolen, नहीं stolen, my heart. किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया है. Someone has broken my heart. इस तरह जो कुछ भी जैसा भी माइंड में आप बना सकते हो. क्लियर है? किसी ने मेरे भाई को मार दिया है. Someone has beaten my brother. समझ में आया? मैं तुम्हारे इरादे समझ गया हूँ. लोग कहते हैं ना, बच्चा मैं तुम्हारे इरादे समझ चुका हूँ, तुम क्या चाह रहे हो. इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? I have understand your intentions. I have understand your intentions. हम ये समझ चुके हैं. We have understood. We have understood this या it, है ना? हम ये पहले ही समझ चुके हैं. We have under हाँ we have already understood yet. समझ में आया? तुम अभी कहाँ पहुंच गए हो? तुम अभी कहाँ पहुंचे हो? जैसे फोन करता है ना, बता यार तुम अभी कहाँ पहुंचे हो. Where have you reached now? Where have, हाँ एक now भी है. N-O-W. Now means होता है अभी या अब. क्लियर है? चलो नेक्स्ट अगर मैं पूछूं, तुमने ये कैसे किया है? How have you done this या it? मुझे कोई मिल गया है. I have found someone. I have got someone. बॉस ने मीटिंग क्यों बुलाई है? Why has the boss called for meeting? पापा ने मुझे क्यों बुलाया है? Why has the father called me? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है. You have broken my heart. मैं इस ड्रेस पर काफी पैसे खर्च कर चुकी हूँ. I have spent a lot of money on this dress. सर्दी आ गई है. Add this dress चलता है. कोई ना यार स्पीकिंग और से कोई ना. ग्रामर का पंगा नहीं है, ग्रामर पढ़ना होगा. ट्रेंड कर देंगे अभी. सर्दियाँ आ गई है. विंटर हैज कम. नहीं गर्मियाँ आ गई है. समर हैज कम. गर्मी आ गई है.
पेड़ जो है ना बड़ा हो गया है, द ट्री हैज ग्रोन अप, भारत चांद पर पहुंच गया है, पता है भारत चांद पर पहुंच गया है, यू नो इंडिया, हाँ यू नो इंडिया, आप भी बताओ मित्र, इंडिया हैज रीच्ड एट द मून, ऑन द मून, वैसे ऑन द मून ही बोलो, मून के ऊपर। नेक्स्ट बताओ, मैंने काम खत्म कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, तुम बहुत बदल गए हो, यू हैव चेंज्ड अ लॉट, मैंने एक नई कार खरीदी है, आई हैव बॉट अ न्यू कार, मैंने अभी तक उसकी अनुमति नहीं ली है, आई हैव नॉट टेकन हिज परमिशन येट, तुमने अभी तक उसको मेरे बारे में क्यों नहीं बताया है, Why have you not told him about me of this matter yet? ये आगे पीछे चल जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, मैंने पहले ये गाना सुना है, ना पहले, केवल मैंने पहले बोला, मैंने पहले ये गाना सुना, आई हैव लिसेंड दिस म्यूजिक या दिस सॉन्ग बिफोर, हमने पहले भी उस रेस्टोरेंट में खाना खाया, हमने बी हैव ईटन द फूड इन दैट रेस्टोरेंट बिफोर, क्या तुमने पहले अंग्रेजी सीखी है, अरे आंसर नहीं पूछ रहे, क्या तुमने पहले अंग्रेजी सीखी है, Have you learned English before? ठीक है, क्या तुम कभी मुझसे मिले हो, क्या तुम कभी मुझसे मिले हो, Have you ever met me before? समझ में आया इतना? चलो नेक्स्ट बताओ, हमने बहुत कोशिश की है, We have tried a lot. अच्छा क्या वो कभी हमारे घर आए हैं? Have they ever come to my house? मैंने क्या बोला? क्या वे कभी मेरे घर आए हैं? Have they ever come to my house? चलो नेक्स्ट बताओ, क्या तुमने मुझे कभी फोन किया है? क्या होगा? Have you ever called me? बस called me आप भी बोल सकते हो। मुझे अभी अभी तुम्हारा मैसेज प्राप्त हुआ है। अभी? I have just received your message. मैंने अभी अभी अंग्रेजी सीखना शुरू किया है। I have just started learning English. क्लियर है? चलो नेक्स्ट, क्या तुम घर पहुंच गए हो? Have you reached home? तुमने पंखा बंद क्यों कर दिया है? Why have you switched off? पंखा बंद करने को क्या बोलते हैं? Switched off the fan. क्लियर है? तुमने पत्र नहीं भेजा है। You have not sent the letter. भेजना की इंग्लिश सेंड ही तो होगी। ये चीज आपका हो गया एक्टिव वॉइस। अच्छा ये बताइए, समझ में आया? देखो ये बहुत कमाल का है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेंटेंस है आपने देखा डेली बेसिस पर ही है, और ये पांच लिख लीजिए पहले नंबर, अरे छह, बड़े काम के हैं। जस्ट मीन्स अभी अभी, एवर मीन्स कभी, ऑलरेडी मीन्स पहले, बिफोर मीन्स हाँ बिफोर, और येट और नाउ, ये तीन है, इनको सेंटेंस के लास्ट में यूज करना है। क्लियर? इसे लिख लीजिए ऐसे।